कैसे हैं आप सब लोग जी। तो सहरी स्पेशल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपनी सहरी की रूटीन शेयर कीजिए, तो आप लोगों की पसंद सराखों पे, तो इस वजह से आज मैं आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो आज मैं सहरी में बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि रात में मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया था, बच्चों को कुछ इतना खास पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा वो लोग सही से सहरी नहीं करेंगे, इस वजह से मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। बहुत हैवी हो जाएंगे, मगर हम अभी क्योंकि 3 बजे का टाइम हो रहा है तो हम अभी से कर लेंगे, तो फिर इतना ये है कि फौरन खाते ही नहीं सोएंगे, तो ये हम थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, हजम कर लेंगे, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। जी तो मैंने इस तरह पोर्शन कर लिए हैं। पहले हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं पहले डाल चुके हूँ इसकी रेसिपी। तो अब मैं पहले इस तरह सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी, फिर इससे बनाना बहुत इजी हो जाता है मुझे। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत लाइट सी सहरी करें, क्योंकि फिर सहरी करने के बाद नमाज के बाद सो जाते हैं, तो बच्चे सही से उसको हजम नहीं कर पाते, तो इसलिए हम बहुत लाइट सी सहरी करते हैं। लेकिन आज बस अचानक से मूड हो गया कि आलू के पराठे बनाए जाए, तो इस वजह से हमने आलू के पराठे बनाए। जी तो यहाँ पर हम पराठे रेडी करते हैं, और देखिए आज माशाल्लाह से 10वीं सहरी है, कितनी जल्दी रमजान गुजर गए पता भी नहीं चला। इतना बरकतों और रहमतों वाला महीना होता है कि बहुत जल्दी गुजर जाता है, जबकि इस महीने इतनी मसरूफियात भी होती है, काम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये महीना इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता। देखिए माशाल्लाह से कल 10वां रोजा है, 1 अशरा कम्प्लीट हो जाएगा। सहरी में वैसे हम बहुत लाइटली सा बनाती हूँ, लेकिन आज बस मूड था पराठों का, तो इसलिए पराठे बनाइए। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हैं, ज्यादातर सहरी में खाना क्या पसंद करते हैं। एक तरह की चीज खा खा के इंसान बोर हो जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हो, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इस महीने में इतने बरकत देते हैं कि तकलीफ को अच्छे से अच्छे दस्तरखान सजते, और जिनके नहीं भी होते अल्लाह पाक उनको भी दे देता है, क्योंकि ये महीना ही इतनी बरकतों और रहमतों वाला है कि अल्लाह पाक किसी को मायूस करते ही नहीं। तो हमें भी चाहिए हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी इबादत पे करें। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। क्योंकि मेरा भी पहले कोई इतना वो नहीं था कि मैं अपना कोई चैनल वगैरह बनाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन बस मुझे शौक हुआ, दूसरों के ब्लॉग देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक फैमिली की तरह लगता था, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर लूँ ये, तो फिर मगर अब मेरा पूरा फोकस इसी पर नहीं होता, जो मेरे और दूसरे रूटीन के काम हैं, रूटीन की इबादत है, रूटीन के दूसरे सारे काम हैं, मेरा फोकस उन पर भी रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पराठा रेडी कर लिया है, तो चलिए अब इसको कुक करते हैं। हाँ, मैंने तवे को तकरीबन 2-3 मिनट से पहले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्लेम ऑन करके रख दिया था, ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। मुझे तमाम महीनों में से सबसे अच्छा रमजान का ही महीना लगता है, वैसे भी ये बहुत अफजल महीना है, सारे महीनों में से अफजल महीना है, लेकिन ये इसलिए और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि इस महीने में सब एक दस्तरखान पे बैठे हुए होते हैं, और सबको स्पेशली हम बुलाते हैं इफ्तार के लिए, सहर के लिए, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। हम वैसे तो इबादत करते ही हैं, लेकिन इस महीने में कुछ ज़्यादा दिल से और ज़्यादा शौक से करते हैं, बस ऐसा लगता है कि बाकी ये हमारा और अल्लाह का महीना है, कि हम अपने अल्लाह से इतने करीब हो जाते हैं। और यकीन करें आपको भी पता होगा कि आप ही इबादत करते हैं कितना सुकून मिलता है इबादत करके। तो यहाँ पर पराठा मैंने एक तरफ से अच्छे से सीज लिया है, अब इसका साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से मीडियम, जब भी पराठा इसको फ्राई करें तो मीडियम फ्लेम पे करें, क्योंकि अगर हम फुल फ्लेम पे करते हैं तो एकदम
फौरन से डार्क हो जाता है, जो देखने में इतना अच्छा भी नहीं लगता और खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। जब भी परांठे फ्राई करती हूँ मीडियम फ्लेम पे करती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आए, उसमें मुझे ये लाइट गोल्डन सा ही कलर पसंद आता है। यहाँ पर देखिए पराठा अच्छे से रेडी हो गया है और बहुत क्रिस्पी सा ये बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह कर लिया करें। चलिए अब इसको ये हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया है, अब इसे भी फ्राई कर लेते हैं। जी तो रमजान में मार्केट्स वगैरह स्टार्ट से पहले ही बंद हो रही थी, लेकिन आज पता चला है कि अब कल से 12 बजे तक बंद होंगी। तो हमारी तो अभी इसकी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। बस कुछ चीजें रह गई है थोड़ी सी, वो हमें कंप्लीट करनी है। बाकी सारी हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों की इसकी शॉपिंग कैसे चल रही है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देते हैं और इतनी खुशियां दे देते हैं कि हर कोई खुशियां ही मना रहा होता है, कोई इबादत की, कोई शॉपिंग की, कोई ईद की। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची, क्योंकि अब तो माशाल्लाह 12 बजे तक के बंद होंगी मार्केट्स मॉल्स वगैरह। अब तो ईजीली हम इफ्तार के बाद जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पराठा अच्छे से सीख चुका है और देखें कितना क्रिस्पी सा बनके ये भी रेडी हुआ है। ये मेरे छोटे साहबजादे हैं। ये मेरे सबसे छोटे साहबजादे हैं और ये 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये खाकर आपको बताएंगे कि ये पराठा कैसे बना है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक साथ ही दस्तरखान लगता है, सब एक साथ ही बैठकर खाते हैं, लेकिन चूंकि ये पराठे हैं तो इस वजह से हम गरम गरम पकते हैं, तो मैं सबको साथ साथ सर्व करवाती हूँ। ये चक्की, ये रायता और ये ब्रेड चक्की। बताइए रजा आपको कैसे लगे? माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। देखिए इसलिए मैं बनाती हूँ कि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह मैं पराठे रेडी करती जा रही हूँ और वन बाय वन सबको देती जा रही हूँ ताकि सब गरम गरम सर्व करें, क्योंकि ये गरम ही अच्छे लगते हैं। जी तो ये है मेरी छोटी शहजादी मनाहिल अहमद। तो अब ये खा रही है, ये आपको बताएंगी कैसा लगा। और ये मेरी कैमरामैन भी हैं, ये मेरी छोटी साहबजादी है, इस वक्त बड़ी शहजादी शूट कर रही है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। अच्छा बना। तीन चटनियाँ यहाँ पे, एक रायता है, एक इमली की चटनी और एक चीनी चटनी। बट मुझे केचप से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें केचप की बहुत दीवानी हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा केचप से खाती हूँ। चटनी वगैरह मैं भी नहीं खाती, मगर ज़्यादा मैं केचप से खाती हूँ, मुझे केचप से बहुत पसंद है। तो अभी मैं खा जी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे बच्चों ने खाना तैयारी कर ली है। मेरे जो बड़े साहबजादे हैं वो कहते हैं कि आगे नहीं आए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और मेरे हस्बैंड भी जल्दी खा, उन्होंने भी जल्दी कर ली थी और फिर वो सो गए थे, क्योंकि कुछ उनके थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से वो सो गए थे। और मेरे हस्बैंड से तो आप लोग मिल ही चुके हैं और मेरे बड़े साहबजादे से भी, क्योंकि मेरे एनिवर्सरी के ब्लॉग में वो भी थे। तो यहाँ तकरीबन मैं सबकी बना चुकी, अब बस मेरा अपना रह गया। मैं ये अपना बना रही हूँ और अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी, जो मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह इस वक्त शूट कर रही है, उनके लिए बना रही हूँ। तो जल्दी से हम दोनों अपने लिए भी रेडी कर लेते हैं। मेरी बड़ी शहजादी अब ये आपको बताएंगी कि ये कैसा लगा इनको। मैं पहले से खा चुकी हूँ, बहुत मजेगा। वैसे मैं पराठा खाती नहीं हूँ, मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं सैंडविच खाती हूँ, बॉयल्ड एग, लेकिन मम्मा के हाथ की हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है और पराठा आलू का तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने कहा नहीं, आज डाइट को छोड़ के जाना, पराठा खाना बहुत मजेगा। जी तो यहाँ पर मैं अपनी पनीटर बनाकर अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ एसी चल रहा होता है तो मुझे, मैं सहरी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज स्पेशली मैंने आलू के पराठे बनाए, जो रूटीन से थोड़े ज़्यादा ही बनाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो अब मैं सहरी करती हूँ, आपकी सहरी कीजिएगा, फिर मैं मिलती हूँ आपसे के बाद। जी तो
ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे इफ्तार के बाद और सहर में चाय लागनी चाहिए होती है। मेरा कोई बच्चा चाय नहीं पीता ना मेरे हस्बैंड ने कोई शौक शौक से पीते लेकिन मुझे चाय होगी तो मैं यहाँ पर बस अपनी चाय पीती है। अलहमदुल्ला बहुत मजे की चाय थी तो यहाँ पर हमारी सबकी सहरी अलहमदुल्ला कम्प्लीट हो गई है। वैसे तो बच्चे मेरे नॉर्मली खाते में रहते हैं मेरे हाथ के आलू के पराठे लेकिन आज उनसे रिव्यू लेने का सिर्फ इतना मकसद था कि आपसे उनका तारुफ करा सकूं। उनके बच्चे हैं थोड़ा सा शर्माते हैं इसलिए सिर्फ उनके अब आप मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों से भी आपका तारुफ कराऊँ। तो सिर्फ इतना सा मकसद था रिव्यू का कि बच्चों से आपका तारुफ करवा सकूँ। यहाँ पर अजान फजर हो चुकी है आप लोगों की तरह हम भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थी मेरी सहरी की रूटीन। तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। जी तो आज 10 रमजानुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। रमजान का ये दूसरा जुम्मा है जो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आप लोग पढ़ते ही होंगे दुरूद पाक लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक की कसरत रखिए। और ख्वातीन को जिनको टाइम नहीं मिल पाता तो वो चलते फिरते ही अपनी जुबान को दुरूद पाक से तर रखा करें। तो चलिए अपनी इफ्तार के रूटीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शरबत के लिए चीनी भिगने के लिए रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और फिर मुझे इसको एक्स्ट्रा घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ इस तरह मैं ये चीनी भिगो के रख देती हूँ पानी। जी तो चीनी मैंने यहाँ भीगने के लिए रख दी है और साथ ही यहाँ पर अब मैं बेसन घोल लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा इफ्तार में पकौड़े नहीं बनाती अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बच जाते हैं वेस्ट होते हैं। तो इसलिए अब मेरी कोशिश होती है कि बस थोड़े इतने बनाऊं कि सारे ख़त्म हो जाएं, इतने ज़्यादा ना बनाऊं जो बच जाएं। तो इस तरह मैं पहले से करके रख लेती हूं तो कुछ फिर मुझे एन इफ्तार के वक्त इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि आधी चीज़ें मेरी रेडी हुई भी होती हैं। फिर भी इफ्तार में फ्राई से ज़्यादा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्राई तो बहुत हैवी हो जाते हैं और इसको खाने से फिर भूख भी मर जाती है। तो कोशिश क्या करें जितना लाइटली हो उतना लाइटली खाएं। जी तो यहाँ पर बेसन मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसे साइड में रख दूंगी क्योंकि इसको फ्राई मेरी दूसरी साहबजादी करती हैं। और अब चलते हैं फ्रूट चाट की तरफ। तो यहाँ पर हबीबा बना रही है फ्रूट चाट और ये बहुत अच्छी फ्रूट चाट बनाती है। तो आज आप भी देखिए कि ये किस तरह बनाती है। और ये इफ्तार में फ्राई भी यही करती हैं तो माशाल्लाह काफ़ी आइटम होते हैं जो ये फ्राई करती हैं। इफ्तार में फ्राई आइटम से ज़्यादा फ्रूट खाना पसंद होता है लोगों को क्योंकि ये लाइटली होते हैं। ज़्यादा अगर हम फ्राई चीज़ें खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इफ्तार में फ्रूट चाट ही खाते होंगे। आप लोग भी फ्रूट चाट ही यकीन खाते होंगे। तो देखिए आज हबीबा कैसे चाट बनाती है।
जी तो यहाँ पर देखिए हदीबा फ्रूट चाट बना रही हैं और इसके साथ ही मैं अपनी रात के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं रात का खाना रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, क्योंकि इफ्तार के बाद इतना खाया नहीं जाता तो सहरी के लिए तो लाजमी चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बच्चियों से काफ़ी सहूलत हो जाती है, काफ़ी हेल्प करवाती हैं ये किचन में और अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम फजर के बाद जब सोके उठते हैं तो काफ़ी लेट उठते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम वक्त से पहले ही हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चियाँ हेल्प करा देती हैं और हदीबा तो माशाल्लाह फ्राई भी कर लेती हैं। तो मैं मगरिब के वक्त मगरिब से पहले मैं आसानी से इबादत भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। तो बच्चियाँ माशाल्लाह घर की रौनक भी होती हैं और ये माओं का बहुत हाथ बटाती हैं। जिनके घरों में बच्चियाँ होंगी तो उनको तो बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो मेरी भी बच्चियाँ माशाल्लाह मेरा बहुत हाथ बटाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ने देती। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह सब साथ मिल के तैयारी करते हैं, इससे वक्त की भी बचत हो जाती है और एक पे बर्डन भी नहीं आता। तो हम सबको यही करना चाहिए कि मिल बांट के काम कर लेना चाहिए, एक पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रोज़े सबके ही होते हैं और सबको ही रोज़े के साथ साथ अपने काम भी देखने चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइम चाट बनाने में ही लगता है, इसीलिए हम सबसे पहले चाट बनाकर रेडी कर देते हैं। इसे बनाकर हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें इफ्तार में बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी चाट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगे हम वो पहले से रेडी कर लें, और अगर रेडी ना करें तो तकरीबन हाफ डन करके रखें। तो यहाँ पर हदीबा ने चाट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर ली है, अब इसमें ये थोड़ी सी चीनी डालेंगे। मैं रोज़ाना मेरी कोशिश होती है थोड़ी चेंज चाट बनाई जाए, तो आज ये हदीबा बहुत सिंपल सी बना रही हैं, क्रीमी चाट नहीं बना रही। तो अब थोड़ा सा इन्होंने चाट मसाला ऐड कर लिया है और यहाँ इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चाट रेडी हो गई। तो आज मैंने क्रीम इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि उससे थोड़ा हैवी हो जाता है, तो रोज़ मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बनाती हूँ। तो यहाँ पर चाट रेडी हो गई है, तो अब हदीबा तरबूज कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी बच्ची तरबूज कट कर रही हैं, अभी इन्होंने चाट बनाई थी और अब ये तरबूज कट कर रही हैं। तो यहाँ पर तरबूज भी कट हो गया है, अब मैं इसे ये फ्रिज में रखूंगी। तो अब मैं फिर छोले रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से छोले रेडी कर लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं छोले नहीं बना रही, क्योंकि रमज़ान में आप माशाल्लाह जितना भी कम बना लें अल्लाह पाक उसकी बरकत दे ही देते हैं। आप लोगों के भी दस्तरखान सजते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे हम जितना भी थोड़ा थोड़ा करके कम कर लें मगर अल्लाह पाक उसमें खूब बरकत दे देते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा ये मैंने छोलों का मसाला बना के रखा था ये डाला है, और थोड़ा सा यहाँ डालूँगी मैं इमली का फल, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आज फ्राई नहीं कर रही, तो मैं सिंपल से इसी तरह बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्राई किए हुए छोले खाने बहुत हैवी लगता है, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बहुत लाइटली से और बहुत थोड़े से बनाऊँ। जी तो यहाँ मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही अब ऐड कर दूंगी हरा धनिया,
और प्याज टमाटर जो मैंने कट करके रखी थी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत लाइटली से होते हैं खाने में, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्राई छोले खाने से आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता और फिर मुँह का टेस्ट भी एक जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा चेंज मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके बनाऊँ। जी तो यहाँ पर देखिए छोले भी बनकर रेडी हो गए हैं, अभी मैं इसे भी साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक के हमारा काम क्लोज हो चुका है, अब असर की अजानें हो रही हैं, तो अब हम लोग असर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फ्राई करेंगे पकोड़े वगैरह और जो फ्राई आइटम है वो फ्राई करेंगे, तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने, क्योंकि असर की अजानें हो गई हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। यार तो यहाँ पे आ गए हमारे आलू जो हमने काटे थे पकौड़ों के लिए, तो ऑयल गर्म हो गया है, अब जल्दी जल्दी हम सारे पकौड़ों को रेडी कर लेंगे। अब सार में इतना टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। और ये है आलू का मतलब उसका बेसन का बैटर, जल्दी जल्दी आलू को पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ, हदीवा भी कर रही है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे जल्दी जल्दी करें सारे। उसके बाद प्याज के भी पकौड़े होंगे और कुछ फ्राई आइटम भी है, फ्रोजन आइटम जो हमें फ्राई करना है, तो इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। जी तो यहाँ पर हदीबा पकौड़े फ्राई कर रही है और मैं इनको थोड़ा सा और फ्राई की चीज़ें निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना हम सब कुछ फ्राई नहीं करते, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो यही जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हमसे खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, तो हमारी कोशिश होती है कि बस हम थोड़ा कम से कम बनाएं, इतना कि ये हम लोग सब लोग सर्व कर सकें उसे। लेकिन अल्लाह पाक माशाल्लाह आपको पता है कितनी बरकत दे देते हैं। जी तो देखें इस तरह जो मैंने पहले बनाकर रख लिया था, हमने फ्रीज कर लिया था, तो कितनी सहूलत हो जाती है इस टाइम की, आप बहुत इजीली निकालिए और बस फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं ये आइटम निकाल ली हूँ फ्राई के लिए और बाकी का मैं फिर रख दूँगी। मैंने आपको बनाना सिखाए थे ये अंडे और आलू के कटलेट्स हैं, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मुझे जितने फ्राई करने थे वो मैंने निकाल लिए और बाकी के मैं इस तरह जिप लॉक बैग में डाल के और इस तरह रख दूँगी, ये मेरे कल काम आ जाएंगे। जी तो आलू के पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो अब यहाँ पर मेरी बच्ची प्याज के पकौड़े रेडी कर रही हैं। हम प्याज के पकौड़ों में प्याज बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्याज से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और बेसन भी कम लगता है, तो बेसन वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हम इसलिए प्याज ज़्यादा ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई कर रही हैं प्याज के पकौड़े, जो काफ़ी क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं, क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने से ना पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से भी बन जाते हैं।
तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हम प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल। गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी में किचन में खड़े होके काम करना वाकई बड़ी बात होती है। अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को बहुत खुश रखे, परवरदिगार बहुत मेरी हेल्प करवाती हैं और इस टाइम मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, मैं सुकून से अपनी इबादत कर लेती हूँ। तो मैं अभी नमाज़ पढ़कर आई हूँ, तो अब यहाँ पर मैं किचन में एक नज़र आकर देख रही हूँ कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं। वैसे मैं आती नहीं हूँ, लेकिन आज आपके लिए जब रूटीन शेयर करनी है तो मैं आके देख रही हूँ। तो साथ ही यहाँ पर ये फ्राई करेंगे, ये जो अंडे आलू के रोल थे यहाँ पैन में फ्राई करेंगे हम। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब इस तरह के कोई कटलेट आप फ्राई करें तो कोशिश क्या करें, इतना ऑयल डालें कि आधी चीज़ उसमें डूब जाए और आधी चीज़ ऐसे ही बाहर रहे। जिस तरह इसमें देखिए इतना ऑयल डाला है कि आधे ये डूब गए हैं और आधे ऐसे ही हैं। इससे बहुत अच्छे से भी फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। तो यहाँ साथ ये फ्राई हो रहे हैं और साथ हाँ रेडी हो रहे हैं प्याज के पकौड़े। जी, तो अभी हम इन्हें ऐसे ही फ्राई होने देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि उस साइड अच्छे से कलर आ जाए। अगर हम अभी फ़ौरन इसे पलटा लेंगे तो कलर भी नहीं आता और कुक भी सही नहीं होते। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी, तो देखिए एक साइड से अच्छा कलर आ गया था और ये कुक हो गए थे, तो फिर बच्ची ने मेरी साइड इसकी चेंज कर दी और इसे यहाँ दूसरी साइड से भी कुक कर लिया। अभी से मज़ीद 1 से 2 मिनट और करेंगे ताकि और अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। जी, तो यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और इफ्तार में भी अब बहुत कम टाइम रह गया था, तो अब यहाँ दस्तर लगाने की तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बनता, अल्हम्दुलिल्लाह बस जितना भी बन जाता है यही हमारे लिए बहुत होता है। तो इसी तरह सबके दस्तरखान सजते होंगे और अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में बरकत देता होगा। तो इस तरह हमने भी अपना दस्तरखान सजा लिया है। यहाँ पर देखिए सब बैठ गए हैं इफ्तार के लिए, क्योंकि अब बस इफ्तार हो ही रहा है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कबूलियत का टाइम होता है और अल्लाह पाक इस वक्त की गई दुआ ज़रूर सुनते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए हमने इफ्तार कर लिया, इफ्तार करके आप देखिए कि इफ्तार के बाद यहाँ पर हम नमाज़ की तैयारी करने लगे थे। ये मेरे साहबजादे हैं जो नमाज़ की तैयारी के लिए जा रहे हैं मस्जिद, और ये छोटे साहबजादे हैं, ये एंड तक के माशाल्लाह दस्तरखान पर ही बैठे रहते हैं। इनमें मेरी कोशिश होती है कि ये अपनी सारी चीज़ें फिनिश कर ही उठें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बात सुन लेते हैं। और ये बड़े साहबजादे हैं, ये नमाज की तैयारी के लिए ये जा रहे हैं। और ये देखें कितना मैसी सा हो जाता है घर, स्पेशली किचन, जब हम इफ्तार करके उठते हैं। तो अब हम इसको साफ़ करेंगे, पहले नमाज़ पढ़ेंगे फिर इसे साफ़ करेंगे। तो यहाँ नमाज़ पढ़ ली है और ये फ़ौरन गेम लगाकर बैठ गए हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी, क्योंकि इफ्तार के बाद चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। सब तो नहीं पीते, मैं और मेरी बच्ची पीती हैं। तो यहाँ देखें हमने किचन को एकदम क्लीन कर लिया है पूरा, जो मैसी सा था। और ये सबसे टफ़ काम होता है बर्तन धोना, क्योंकि इफ्तार के माशाल्लाह बहुत बर्तन निकलते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन भी हदीबा बर्तन धो रही हैं और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और ये सालन भी हमारा रेडी है। तो यहाँ पर मैंने चाय निकाल ली है और अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। आज के रूटीन तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं।